नीलम तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अशोक भोसले भिवंडी मनपा में नगर सेवक व दलित बस्ती सुधार समिति सभापति रह चुके हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में 5 वर्षों में अपने वार्ड व भिवंडी शहर के विकास के साथ साथ कोरोना काल में क्या क्या कार्य किया है, इसके बारे में जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए देखते। सबसे पहला ये बात है कि कार्यकाल पूरा हुआ, मतलब 5 साल पूरा हो गया है, ये बात सत्य है। लेकिन जब तक इलेक्शन, अगला इलेक्शन नहीं होता है तब तक हमारी जिम्मेदारी है ना शहर में काम करने की। जिम्मेदारी है, लेकिन 5 वर्षों में आपने ऐसे विशेष कौन से काम किए हैं कि वापस से आपको जनता फिर से जवाब मांगेगी ना? देखो 2017 में इलेक्शन हुआ है, 2022 आ गया है। 2017 में से मैं खुद के मेरे बारे में भाई कहना चाहता हूँ कि 2017 में पहले महापौर बने जावेद दलवी साहब, उसके बाद में 6 महीने के बाद मैं दलित बस्ती का चेयरमैन बना हूँ। और वो कार्यकाल मुझे 2 साल पौने 2 साल मिला। वो 2.5 साल में जितना भी निधि दलित बस्ती से या जो भी केंद्र राज्य शासन से जो भी लाना था, कलेक्टर ऑफिस से लाना था, वो लाने की कोशिश मैंने किया है पूरे भिवंडी के लिए। और उस दौरान मैंने भिवंडी में स्मशान भूमि, कब्रस्तान, ऐसे सभी मुद्दों को मैंने हाथ डाला था। और वो टाइम पे जिस तरीके से भिवंडी शहर में स्मशान भूमि की जो हालत थी उसको मैंने, उसका आवाज़ उठाया। और वो आवाज़ उठाने के बाद उसका काम अभी आपको पता चला होगा कि 3-4 महीने से वो काम हो चुका है। वो काम वो टाइम पे क्यों नहीं हुआ, तुरंत 2020 में कोरोना की बड़ी महामारी आ गई, इसी दौरान वो सब काम रुक गया, निधि नहीं था और अपन 2 साल उसके पीछे अपने सभी दुनिया के चले गए, उसी वजह से वो काम नहीं हो पाया। तो वो पहला मुद्दा मैंने वही टाइम पे स्मशान भूमि का लिया था। अभी सभी भिवंडी के स्मशान भूमि लगभग 85% स्मशान भूमि अच्छे तरीके से अच्छा जगह पे है। वो एक काम मेरा उस टाइम पे हुआ। और मैंने दलित बस्ती में जितना भी निधि मैंने जो मांग किया था वो सभी निधि कोरोना के बाद पास हो गए। लगभग कितने के निधि दलित बस्ती के लिए आपने पास किए थे? वो टाइम पे मैं दलित बस्ती में अपन 15 करोड़ रुपए की दलित बस्ती की निधि मांगा था, उसे 12.5 करोड़ रुपए का निधि अपने भिवंडी शहर में आ चुका है। कहाँ कहाँ पर वो इस्तेमाल किया गया? अभी वो सब जहाँ नगर सेवकों को जो एस्टिमेट था वहाँ वहाँ पर जिनकी मांग थी वहाँ पर वो सभी को अपने अपने जगह पे मिल चुका है। खास करके आपने अपने विशेष वार्ड में क्या किया है 5 सालों में? देखो हमें वार्ड की मैं बात ये करना चाहता हूँ कि वार्ड में जो जरूरत काम थी वो हमने किया है, बाकी ऐसा कोई ठोस काम भिवंडी शहर के माध्यम से हमारे वार्ड में 21 नंबर प्रभाग में नहीं हो पाया। उसका कारण यह है कि 1 साल होने के बाद तुरंत 2020 में, मतलब अपने को हमें तो सिर्फ 18 और 19 का ये 2 साल मिला। 2 साल में काम करते करते अपने को थोड़ा टाइम निकल गया और समझने में टाइम निकल गया और उसके तब तक कोरोना का महामारी आया। तो हमें ऐसे कोई विशेष, मतलब ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है कि हमने जो किया है वो हम आपको बता देंगे। लेकिन जितना भी जो लोगों को मूलभूत सुविधा है, जैसे पानी का समस्या है, कचरे का समस्या है, वो हल करने का कोशिश हमें, हम लोगों से जुड़े हुए थे और आज भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। देखा जाए कि अभी टर्म खत्म होने से पहले भी कुछ आपने निधि मंजूर करवाई है, कितने की मंजूर करवाई, कहाँ कहाँ उसका काम होने वाला है? हाँ, अभी समझो कोरोना के काल के बाद जैसा राज्य सरकार की ही परिस्थिति नहीं थी, उसमें केंद्र सरकार की परिस्थिति नहीं, ये सब मद्देनजर रखते हुए हमने जैसा कोरोना का काल पूरा खत्म हो गया उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट फ्री हो गई, उसमें केंद्र शासित तो केंद्र का भी सरकार फ्री हो गई, लोगों का टैक्स आना चालू हो गया। तो फिर हमने हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के पास मैंने मांग किया था कि हमारे वार्ड के लिए कुछ निधि मिले। तो उन्होंने अभी, मतलब एक दो महीना पहला उन्होंने उसके ऊपर सब्सिडी किया है और वार्ड में 2-3 करोड़ रुपए का निधि मैंने मंजूर किया है और वो लगभग अभी 1-2 महीने में वो काम भी चालू हो सकता है और होने का कगार में है। इसके अलावा आपने कोरोना का जब महामारी बीमारी चल रही थी उस टाइम पे आपने क्या किया जनता के लिए? तो ये महामारी का जो 2020 में मार्च में जैसा ही कोरोना डिक्लेयर हुआ और लॉकडाउन पहला हुआ, तो पहले तो मतलब 1 महीना तो हमको अभी पूरे गवर्नमेंट हो या अपन सभी जो जनता है या हमारे प्रशासन है या हमारे सब पार्टी के लोग है, उनको सब पहले पता ही नहीं चला
वो घर के बाहर नहीं निकलना क्या, फिर हम लोग निकलते थे तो लोग हमारे साथ में पीछे निकलते, तो इसमें 1.5 महीना निकल गया। उसके बाद मालूम पड़ा कि लोगों को ये महामारी में बहुत तकलीफ हो रही है, लोगों को समझो कुछ सुविधा नहीं मिल रही है, लोगों को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। ये सब बात जब हमारे ध्यान में आया तो हमारे पार्टी के साथ में भी कुछ कॉन्टैक्ट होने के बाद उन्होंने बोला कि अभी आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और अपने को ये काम करना है। पार्टी का भी शिवसेना का इंटेंशन था कि बाबा तुम लोग निकल के काम करो, तो हम लोग वो टाइम पे निकले और लोगों को जितना भी सुविधा देने की है वो मैंने खुद किया है, लेकिन उसका मैंने किधर भी जाहिरात नहीं किया। क्यों उसके क्यों वो टाइम पे लोगों को जरूरत, बीमार लोगों को जरूरत था तो उसका ऐड करने जैसा कोई काम नहीं था। तो मैंने ग्रामीण का भी काम किया है, भिवंडी शहर के ग्रामीण लोगों का भी मैंने काम किया है, मैंने शहर में भी काम किया है, और लोगों को जो जरूरत था मैंने कुछ उनके ऊपर ऐसा नहीं किया, वो मेरी जिम्मेदारी थी तो मैंने वो जिम्मेदारी पूरा किया है। मैं उनके ऊपर कुछ ऐसा नहीं किया, वो मेरी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपने चुन के दिया है और मैं पार्टी का मेंबर हूँ, तो उस तरीके से उसको मद्देनजर रखते हुए अपने से जितना होना चाहिए उतना मैंने कोशिश किया। हमारे जिला प्रमुख हो, हमारे पालक मंत्री हो, उनके साथ हमने कॉन्टैक्ट रख के हम जितना भी सुविधा देने की कोशिश है वो सभी का किया है। और हम कोरोना काल में जैसा सैनिटाइज का जो प्रॉब्लम था, वार्ड में सैनिटाइज होना चाहिए, तो हमने अग्निशमन दल के माध्यम से पूरा वार्ड में हो या भिवंडी में सैनिटाइज करने का कोशिश किया है और किया भी है। और उसके मद्देनजर के फिर बाद में जैसा वैक्सीन का जैसे चालू हुआ तो वैक्सीन देने की भी हम लोगों ने मुहिम लगाया, प्रशासन ने भी अच्छी तरह से काम किया है। उसमें हमारे पालन मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने, वो टाइम पे जो तत्कालीन आष्टीकर साहब थे, उनके कार्यकाल में काम नहीं हो रहा था, कोरोना बढ़ रहा था, तो हमारे पालन मंत्री साहब ने तुरंत उसको बदली करके अच्छे ऑफिसर पंकज आशिया करके उनको उन्होंने अपॉइंटमेंट किया। और जैसे वो आते ही 8-10 दिन में उन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया। तो ये बड़ी बड़ी बातें पार्टी ने किया है, उसके साथ साथ हम लोग भी जुड़े हुए थे, तो इसमें सभी का योगदान है। हमारे महापौर मैडम जो कोरोना में प्रतिभा देवी पाटिल थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, इसीलिए शहर में वो टाइम पे जरूरत था तभी सब लोग एक जगह होके काम हमने किया है। और यही लोगों को हमने जो किया है वो बता रहे, जो नहीं किया उसके बारे में बोलना नहीं है, कि वो बात करके कोई फायदा नहीं है कि दो से ढाई साल लोगों का सब खराब चला गया, लोगों का धंधा पानी सब बंद हो गया। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए ऐसा बड़ा कोई काम शहर में नहीं हुआ है, और वो आगे आने वाले टाइम में जरूर हम इसका बड़ा काम करेंगे, ये आज ही आश्वासित करते हैं। और दूसरा बात अभी ऐसा है कि ये भिवंडी तालाब जो राजीव तालाब है उसको भी हमने पालक मंत्री साहब के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि ये पूरा गार्डन, और लोगों का मेरे पास बहुत मांग है लोगों की जॉगिंग ट्रैक बनाने का, लोगों को सुबह जॉगिंग करने के लिए वो किधर भी ऐसी अच्छी जगह नहीं है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने कमिश्नर साहब को बोला है कि इसका आप एक आराखड़ा तैयार करो और उसके साथ में इसका कितना निधि लगता है, और हम पालक मंत्री साहब के पास मांगते हैं। और पालक मंत्री साहब ने भी ये आश्वासित किया मेरे को कि हम लोग निधि उसको देते हैं, और भिवंडी के सभी जो रास्ते हैं वो रास्ते भी अच्छे करने के लिए शिंदे साहब ने उसका भी सिग्नल कमिश्नर और हमें जो हमारे जो लोग शिवसेना पार्टी के लोग गए थे उनको आश्वासित किया है। और जल्दी ही आपको भिवंडी शहर में आने वाले कुछ एक आध साल में बहुत सा कुछ चेंज देखने का उम्मीद रखते हैं, और जल्दी ही चेंज होगा। ये मैं आज आप आए आपने पूछा, इसके लिए माध्यम से मैं आपको और भिवंडी वासियों को बोलना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में सभी रास्ते और कुछ अच्छे ऐसे प्रेक्षणीय स्थल है वो सब अच्छे होने की उम्मीद अपन रखते हैं, और अच्छा होगा ये उम्मीद पे अपन आगे चलते हैं। और आने वाले टाइम में जब भी इलेक्शन होगा हम लोग जनता के सामने फिर से जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।